जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्क गुरु, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे ही जादुई उपाय जो घर बैठे आपको बना सकते हैं धनवान। और आप इसी तरह की रोचक जानकारी यदि समय समय पर चाहते हैं कि आपको समय पर मिलती रहे, तो उसके लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिया है उसको दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर बैठे माने आपको धन धान की प्राप्ति होती रहे, जो आप काम कर रहे हो उसमें सफलता मिलती रहे और एक तरह से चमत्कार होता रहे आपके जीवन में, तो उसके लिए मैं आज आपको पाने के कुछ जादुई चमत्कार वाले उपाय आपको बता रहा हूँ, जो थोड़े से ही माने आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता अथाह मिलती है। मतलब आप कम प्रयास में ज़्यादा सफलता, ज़्यादा अर्निंग, ज़्यादा धन दौलत अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। और अब बिल्कुल आसान आसान मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। थोड़ा सा जल जीवन ही धन भी देता है। ये ऐसे ज्योतिषी उपाय होते हैं जो हम सब जानते हैं कि पानी के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। शास्त्र भी कहते हैं हमारे शरीर का निर्माण जिन पंच तत्वों से मिलकर बना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जल तत्व को ही माना गया है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में पानी के कुछ ऐसे जादुई चमत्कारी टोटके उपाय दिए हैं जिनके द्वारा आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। तो आज उसी सीरीज में मैं आपको पहला बता रहा हूँ जिसमें आप जो पानी का उपाय कर सकते हैं। इसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में उत्तर पूर्व दिशा में, यदि आपके घर में जो उत्तर पूर्व का कोना हो या आपका द्वार हो या जो भी हो, उस दिशा में किसी भी पात्र में गंगा जल या शुद्ध जल रखा जाता है, तो उस घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। और यदि आपके घर में यदि इस तरह से नहीं रखा है, तो आप एक बार अपने उत्तर पूर्व के कोने में या उत्तर पूर्व की दिशा में एक पात्र में शुद्ध जल भर के रख दें, या आप गंगा जल हो घर में तो गंगा जल को वहाँ पर रखें। इससे आपके घर में देखना धन का कभी अभाव नहीं हुआ। और घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध गंगा जल का पात्र रखने से घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। ऐसा करने से घर में सदैव सकारात्मक वातावरण बना रहता है। तो यदि आपके घर में थोड़ा बहुत गंगा जल है तो छोटे से पात्र में भर के अपने मुख्य द्वार के आसपास रख दें, फिर देखें आप इसका चमत्कार। और अगर किसी घर में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हों, तो एक गिलास शुद्ध गंगा जल में या अन्य किसी तीर्थ का जल मिलाकर 24 बार गायत्री मंत्र बोलकर आप अभिमंत्रित कर लें इसको। और इस अभिमंत्रित जल को पूरे घर में छिड़कने से घर परिवार की सारी समस्याएं कुछ ही दिन में खत्म हो जाती हैं। इस टोटके को लगातार 7 दिनों तक घर के मुखिया को करते रहना चाहिए, और इससे उपाय से देखना आपके घर में सारी समस्याएं खत्म होके और एक पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जाएगा। और घर में नियमित शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक करने से भी वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। और जिन लोगों के घर में, दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, पानी की बर्बादी होती है, व्यर्थ में जहाँ वहाँ पानी बहता है या नल टपक रहे हैं, तो उस घर में मानसिक और आर्थिक समस्याएं एक के बाद आने लगती हैं। तो इसलिए यदि ऐसा हो रहा है तो इसको ज़रूर आप रोकिए और कोशिश करिए कि इस तरह से आप पानी की बर्बादी ना हो, जल टपके नहीं नल वगैरह से, इसको ज़रूर देखिए आप। जो व्यक्ति प्रतिदिन उगते और ताज़े शुद्ध जल का सूर्य को आर्ध देते हैं, उनके घर में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होता है। और जिस घर के बच्चे अपने माता पिता के चरण हर रोज़ गंगा जल से मिले जल से धुलाते हैं, उन कुल की संतानों को कभी पितृदोष जैसी समस्या नहीं होती है। और ऐसा करने से उस परिवार में 7 पीढ़ियों तक अन्न धन की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। और यदि आप चाहते हैं कुछ और भी ऐसे उपाय, अच्छे अच्छे उपाय आपको मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।